वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको लो शू ग्रिड में अगर आपके 3 नंबर और 8 नंबर मिसिंग है तो आपको क्या क्या मुश्किलें आएंगी और उसका हल भी हम आपको बता रहे हैं। आप हमारी वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखें। आपको अगर आपकी लो शू ग्रिड में 3 नंबर और 8 नंबर मिसिंग है तो आपको उसका हल मिल जाएगा। अब हमने एक डेट ऑफ बर्थ ले ली है 4/6/1972। अब मैं आपको लो शू ग्रिड बनानी तो सिखा चुका हूँ, ये 4 हमने यहाँ ले लिया है, 6 हमने यहाँ ले लिया है, 1/9 भी ले लिया है, 7 और 2 भी ले लिया है। अब इसको हमने टोटल भी कर लिया है, टोटल करके ये 2 आ गया है, 2 हमने यहाँ ले लिया और 1 इसका 4 हमने यहाँ ले लिया। अब इस लो शू ग्रिड में 3, 5 और 8 मिसिंग है। हम आज 3 और 8 के बारे में बताएंगे क्योंकि 5 का मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। अब अगर आपकी लो शू ग्रिड में 3 नंबर मिसिंग है जो कि बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, अब 3 नंबर मिसिंग वाले लोग किसी को पहले तो गुरु ही नहीं बनाते, वो किसी के बात भी नहीं मानेंगे, उनमें आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी होगी, वो अपने ही बात को मनवाने की कोशिश करेंगे, अपनी बात पे अड़िंग रहेंगे। अगर आप उनको सलाह भी दे देंगे तो वही करेंगे जो उनके मन में है क्योंकि उनके लो शू ग्रिड में 3 नंबर मिसिंग है। अब 3 नंबर जिसकी लो शू ग्रेड में मिसिंग है वो धार्मिक भी नहीं होगा, वो धर्म कर्म को तो मानेगा ही नहीं, उनकी सोशल एक्टिविटी भी कम होगी, जल्दी वो लोगों से मिले जुलेंगे भी नहीं। अब 3 नंबर मिसिंग वाले को ग्रोथ में कमी होगी, आपको अपनी जॉब में भी प्रॉब्लम हो सकती है, पैसे की आपको कमी रहेगी, आपके हेल्थ इश्यू भी होंगे, आपको अपने लोगों की सपोर्ट भी कम होगी जिससे आपको अपने रोज के कामों में या कभी भी किसी की जरूरत पड़ने पे मदद नहीं मिल पाएगी। इसके लिए हमें बृहस्पति का उपाय करना है, आपको मैं उपाय बता देता हूँ और आप करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में भी जो बृहस्पति है वो नीच का है या मारक है या 6/8/12 घर में बैठा है तो आप सेम उपाय कर सकते हैं। आप ऐसा करें कि आप एक पीपल का या केले का वृक्ष जरूर लगाएं। आप वीरवार को केले का दान कर सकते हैं लेकिन आपने खुद नहीं खाने हैं। आप बृहस्पतिवार को चने की दाल मंदिर में दे दें या पानी में भी बहा सकते हैं। इससे आपको जो 3 नंबर मिसिंग है उसका आपको हल निकल आएगा। अब हम बात कर लेते हैं 8 की। अगर आपकी लो शू ग्रिड में 8 नंबर मिसिंग है तो जो 8 नंबर है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। अब क्योंकि आपकी लो शू ग्रिड में 8 नंबर नहीं है तो आपको शनि के कारकत्वों की कमी होगी, आपको उसमें
परेशानी आएगी। एक तो आपको ये मान के चलिए कि जिंदगी में आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और फल कम मिलेंगे। आपको आपकी मन मर्जी के मुताबिक फल नहीं मिलेंगे। आपको जिंदगी में संघर्ष भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपके सबॉर्डिनेट आपकी मदद नहीं करेंगे, आपको उनसे तालमेल बिठाने में बहुत परेशानी आएगी। अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो भी आपको अपने वर्कर से परेशानी ज़रूर आएगी और आप की बातों को वो टाल मटोल कर देंगे। आप उनसे बेनिफिट की उम्मीद कम ही रखें। और 8 नंबर मिसिंग वालों को धैर्य में भी कमी होगी, ये इतने धैर्यवान नहीं होंगे। आपको अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने गुस्से से ही आप अपना खुद का काम खराब करवा लेते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। इसके लिए आप फिर शनि के उपाय कर सकते हैं। आप शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला सकते हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लें तो आपको बेनिफिट होगा। आप शनिवार को काला या नीला कपड़ा मत पहने। काला नीला कपड़ा पहनने में आप परहेज करें, आपको ज़्यादा फायदा होगा। और शनिवार को आप उड़द की दाल दान अवश्य करें। किसी सफाई कर्मचारी को भी अगर आप शनिवार को दान देते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।